स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लास में हम बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मराठा कॉन्फिडेंसी। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे जिनका नाम है बाजीराव, बाजीराव वन कहा गया है उनको, वो आते हैं बहुत ही यंग एज में, 20 साल का आयु में उनको गद्दी संभालने बैठ जाते हैं, वो सक्सीडेड हिम एज पेशवा। ठीक है, एंड वो उन्हीं के टाइम पे अगर देखा जाए तो मराठा किंगडम जो था उन्हीं के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ किया था मराठा का, एंड वो अपना हाइट पे था। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि शिवाजी और मराठा पावर रिच इट्स जेनिथ अंडर हिम। बहुत सारे मराठा फैमिलीज उस टाइम में फेमस हुए एंड वो अपना जड़ वहां पे, बुनियादी जड़ उनका वहीं पे गड़ गया। ठीक है, तो वहीं से आपका मराठा लोग बहुत फेमस हुए। आफ्टर डिफीटिंग एंड एक्सपेलिंग द सिद्दीज, जंजीरा से सिद्दीज को हटा करके वो बासेन और सरसेट को पोर्तुगीज से वो छीनते हैं। ठीक है, तो ये लड़ाई वड़ाई करके वो उनसे छीन लेते हैं। अभी वो निजामुल मुल्क भोपाल के पास निजामुल मुल्क को वो हराते हैं एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ दोराहा सराई साइन किया जाता है, जिसमें मालवा और बुंदेलखंड भी वो निजामुल मुल्क से ले लेते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल एक्सपेडिशंस लड़ाई वो नॉर्थ इंडिया में भी लड़ते हैं और वहां पे वो डिपेंड करते हैं, वो ट्राई करते हैं कैसे मुगल एम्पायर को हम पहले अटैक करें। तो मुगल एम्पायर को अटैक करने से क्या होगा, उनका एक चीज कहना है, लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्व्स। उनका ये मतलब है कि मुगल एम्पायर अपना बुनियादी जड़ है, उसको ही पहले हिला डालो, उसको ही पहले खत्म कर दो, तो उसके साइड में जितने सारे ब्रांचेस है छोटे छोटे वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, चाहे वो निजामुल मुल्क हैदराबाद के हो कि कहीं कहीं के भी, वो सारे लोकेशन सारे आपका खराब हो जाएंगे, सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पहले हम लोग को इस पे अटैक करना है, इसीलिए कहा गया है विद इन ट्री, मतलब मरता हुआ पेड़ या फिर बूढ़ा पेड़। बूढ़ा पेड़ को अगर उसका ट्रंक, ठीक है, तो उसका ये है पेड़, उसका ये ट्रंक पे अटैक करो तो उसके साइड में जितने सारे ब्रांचेस हैं सारे आपके खत्म हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक गिर जाएंगे, यही कहा गया है। देन इनके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं, पॉपुलरली नोन एज जिनको नाना साहब कहा गया है। ही वॉज ही सक्सीडेड हिज फादर, उनके पिताजी को 20 साल की आयु में ये भी सक्सीड करते हैं। साहू की डेथ के बाद सारे मैनेजमेंट जितने सारे स्टेट अफेयर्स को सब इन्हीं के हाथ में था। मुगल एम्पायर एम्परर अहमद शाह के एग्रीमेंट के साथ पेशवा वॉज टू प्रोटेक्ट द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये हम पढ़े थे कि पेशवा लोग एक्चुअल में मुगल एम्पायर जो थे उनके उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज से, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली हो। इन रिटर्न ऑफ चौथ, तो चौथ जो है एक टैक्सेशन था जिनको हम देखे हैं, टैक्स क्या था, जो टैक्स था कि हम लोग आपके स्टेट को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे इन रिटर्न ऑफ दिस मनी। ठीक है, तो चौथ एंड सरदेशमुखी दो चीज थे, उनको आप एक बार देखिए। नेक्स्ट होता है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिनमें मराठास हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत जाते हैं, मराठास हार जाते हैं एंड विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ ये दोनों का डेथ हो जाता है। ठीक है, दिस इवेंट शॉक्ड द पेशवा बालाजी बाजीराव। तो अभी इतने सारे लोग उनके डेथ कर गए हैं, इतने सारे उतने फैमिली, इतने बड़े बड़े रूलर, तो अब बालाजी राव के पास अभी कुछ बचता नहीं है। 6 महीना के बाद ये भी डेथ कर जाते हैं एंड फाइनली मराठा पावर खत्म हो जाता है। बालाजी बाजीराव के बाद ट्राई करते हैं रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव भी एक पेशवा रहते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम अपना हेड पेशवा बने और हम भी रूल करें, हेड पेशवा बनने की कोशिश करते हैं। बट इनका एक आदत रहता है, रघुनाथ राव ये जाते हैं नॉर्थ का साइड में, बहुत सारे अटैक करते हैं, बहुत अच्छा अटैक करते हैं। ठीक है, रघुनाथ राव, बट इनमें एक बुराई थी, क्या चीज का बुराई थी, ये बहुत खर्चा करते हैं मिलिट्री में और इतना ज्यादा खर्चा करते हैं इसीलिए इनके बाद वो नहीं बैठ पाते हैं गद्दी में, तो रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाते हैं, माधव राव बनते हैं। माधव राव के बाद फिर से रघुनाथ राव ट्राई करते हैं कि नहीं मैं बन जाऊं, बट नहीं हो पाता, नारायण राव बन जाते हैं, वैसे ही सवाई माधव राव और लास्ट में बाजीराव टू बनते हैं। तो यही गुस्सा रहता है। अब रघुनाथ राव जाते हैं इंग्लिश के पास, अंग्रेज के पास, भाई तुम लोग का मदद चाहिए और थोड़ा सा मेरे को पैसा बनने में मदद करो। तो इंग्लिश का वारेन हेस्टिंग्स रहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है तुमको पैसा बनाएंगे। ये वारेन हेस्टिंग्स अपना एनिमी लेकर के जाते हैं, बट फाइनली मराठास को ये हरा नहीं पाते हैं, मराठास से ये हार जाते हैं एंड देन द कन्वेंशन ऑफ वड़गांव, ये वाला ट्रिटी एक रहता है वो साइन होता है। बाद में फिर ब्रिटिश ट्रिटी ऑफ सलवाई भी साइन करते हैं, ठीक है, जहां पे उनको मराठा किंगडम को ये वाला जगह से उनको देना पड़ता है, प्लस ब्रिटिश को वो जगह से हटना पड़ता है। देन होता है अपना सेकेंड एंग्लो मराठा वार। ठीक है,
तो रघुनाथ राव अपना फिर पोर्तुगीज के पास भी जाता है कि थोड़ा सा ट्रिटी उटी करने, बट उसमें भी कोई फायदा नहीं रहता है। फाइनली उनका 1789 या समथिंग में उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। और उनका डेथ का रीजन कुछ पता नहीं है क्या है। देन ये जो ट्रिटी होता है, ये जो इंग्लिश जो फर्स्ट एंग्लो वॉर अपना है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये रहता है, इसमें नाना फडणवीस रहते हैं, ठीक है। तो ये सबका प्रेजेंस में आपका ब्रिटिश लोग हार जाते हैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, अब इंग्लिश कहाँ मानने वाले थे, उनका तो ईगो में लग गया अभी, ठीक है। उनको इतना सारा जगह उनको देना पड़ा तो ईगो में लग गया अभी। वो चलते हैं फिर से और एक फाइट करने के लिए, मराठा पेशवा को अभी हार जाते हैं। अभी सब्सिडियरी अलायंस ट्रिटी ऑफ वेसन, सब्सिडियरी अलायंस मीन्स आर्मी जो रहेगा ब्रिटिशर्स का रहेगा, प्लस ब्रिटिश आर्मी को, ये ब्रिटिश आर्मी को ये किंग क्या करेगा, पैसा देगा, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी को चलाएगा, इसका मतलब यही है कि अब पैसा जो था वो फंडिंग अभी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को चला गया है, एक स्टार्ट हो गया अभी फंडिंग ब्रिटिशर्स को। तो सब्सिडियरी अलायंस साइन करना पड़ता है। मराठा कन्फेडरेसी को ये वाला चीज अच्छा नहीं लगता है, वो ब्रिटिश पावर के लिए फिर से लड़ने चलते हैं, बट फिर से उनको हरा दिया जाता है। थर्ड एंग्लो मराठा वार में लॉर्ड बायरन हेस्टिंग्स रहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब मराठा को अभी ये आर्मी वाला से पैसा लेना नहीं होगा, हम डायरेक्ट अभी ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी करते हैं, मीन्स ब्रिटिश को एक्चुअली दिखाते हैं कि ब्रिटिश क्या है। तो ये ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी की ओर मूव करते हैं, ही मूव्ड अगेंस्ट पिंडारीज, पिंडारीज को अगेंस्ट में वो लड़ते हैं, एंड देन फाइनली वार होता है। वार में मराठा का बहुत खराब हालत रहता है, फाइनली स्टार्ट होता है आपका ब्रिटिश का पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी मीन्स ब्रिटिश ही सब कुछ है, वो हेड ऑफ हेड है, वो चीफ ऑफ चीफ है, वही सब कुछ है उनके ऊपर में, और कोई नहीं है। ब्रिटिश पैरामाउंट है, मीन्स जैसे माउंटेन, माउंटेन का ऊपर का जो चोटी है ब्रिटिश पैरामाउंट है, और ब्रिटिश के ऊपर कोई नहीं है, ब्रिटिश का पूरा शासन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम लोग का शुरुआत होगा द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, तो ये अपना मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, ठीक है। हम बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं एंशियंट इंडिया एंड दिस, फाइनली मिडिवल इंडिया भी कंप्लीट होता है, मिडिवल इंडिया, अभी अपना एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी हम लोग देखेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।